आप 10 साल पहले की बात कर रहे हो कि पहले पूरी चादर मतलब जांस्कर जो रिवर है वो जमी हुई होती थी, तो इसका मतलब इट विल फिनिश यस। जो दारचा का जो रोड बनाया है मोदी जी के साथ इनकी पिक्चर, तो ये सर अभी मिले थे, तो सर बताइए कुछ अपने बारे में। आई एम अ ट्रैकिंग गाइड हियर। ओके, आप ट्रैकिंग करवाते हैं जी। ओके, और सर आप आपने जैसे बताया आप चादर ट्रैक भी करवाते हो जी, तो वो कितने दिन का होता है और क्या उसके लिए टाइमिंग्स चाहिए होती है? उसके लिए प्रभु आज से 10 साल पहले जो चादर होता था, हाँ जी, आज वो चादर नहीं है। ऐसा क्यों सर? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल या कुछ भी बोलो आप, हाँ जी, कई जगह नदी ठीक तरह से जमी हुई नहीं होती, तो हमको फिर नदी छोड़ के पहाड़ चढ़ना पड़ता है। जहाँ से नदी जमी नहीं होती, जमी नहीं, हाँ, पानी आ गया ना आगे, फिर हाँ जी हाँ जी, उस पहाड़ चढ़ के फिर हमें, अब वो चादर नहीं रही जो पहले होती थी। ओके, अब सिर्फ नरक से चिलिंग, वो बीच में गॉर्ज पड़ता है जहाँ पे सर्दियों में सूरज का वो नहीं पड़ता, कि वो बिल्कुल ऐसा है वो नरक में। चादर ट्रैक एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है? आप जो ट्रैकिंग करवाते हो वो स्टार्ट कहाँ से करवाते हो? वो जांस्कर टू चिलिंग, जो लद्दाख रीजन में निमो, निमो इंडस रिवर से मिलता है। ओके, तो इंडस रिवर तो पूरी फुल फ्लो में चलती है। हाँ जी, जो हमारा जांस्कर रिवर मिलता है वो जमा हुआ होता है, वहाँ धूप पड़ती है लेकिन फिर भी इतना टेम्परेचर होता है। जो पदुम में ये भी तो जांस्कर ही बह रही है। हाँ जी, तो ये शरब रिवर, हाँ हाँ, एक जो इधर से आ रही है। ओके, ये आपका सरचू से, हाँ हाँ, इसमें मिलता है फिर सिंगुला वाला छोटा नाला, उसका कोई नाम नहीं है। उसके बाद मिलता है ये पेंजिला से जो ड्रंक रूम का पानी आ रहा है, ये भी जब इसमें मिलता है तब ये जांस्कर रिवर कहलाता है। ओके, यहाँ से जांगला से, जांगला से उससे आगे ये जांस्कर रिवर है, फिर छोटे मोटे नाले बहुत मिलते हैं, वो छोटी चीजें मिलकर और बड़ी बड़ा, फिर वो निमो में जब पहुंचता है तो इंडस रिवर में मिल गया, इंडस रिवर हो जाती है, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान में जी जी। ओके, तो ये चादर सिर्फ बनता है नरक से लेके चिलिंग तक। चिलिंग तक, तो कितने किलोमीटर का ये चादर ट्रैक होता है? ये किलोमीटर तो हमें पता नहीं प्रभु, लेकिन हम घंटों में काउंट करते हैं। हाँ जी, तो घंटों में हमारा ये हिसाब है कि हम 5 या 6 घंटे ट्रैक करते हैं। ओके, उसके बाद हम कैंपिंग, कैंपिंग, और उसमें कैंपिंग भी ऐसी केव्स है वहाँ पे, गुफाएं। ओके, जो पहाड़ों की, हाँ, वो पहले के बहुत पुराने गुफाएं हैं, जानवरों के बनाए हुए ऐसी ऐसी गुफाएं हैं कि जिसमें 300-300 आदमी आराम से अंदर कैंप फायर करके आराम से सोते हैं। ओके, पर अब वो ट्रैक नहीं रहा, अब उसमें बहुत चेंजिंग आ गई, नहीं तो पहले भाई जी को ये भाई। तो अब मतलब पहले ज्यादा अच्छा ट्रैक था, अब मतलब पहले से, जैसे आप 10 साल पहले की बात कर रहे हो कि पहले पूरी चादर मतलब जांस्कर जो रिवर है वो जमी हुई होती थी, तो अब उसमें कितना परसेंट मतलब वो जमी हुई नहीं होती है? मोर देन 40% मतलब ऑलमोस्ट 10 इयर्स में 50-50 फर्क पड़ गया। और यार ये मतलब हमें नहीं पता चलता है, वहां हम घर पे बैठे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ सिर्फ इतना फर्क पड़ता है भाई, अब इस साल पिछले साल से गर्मी ज्यादा है, बस ये पता चलता है। बट आप जांस्कर का जो चादर ट्रैक, बहुत फेमस चादर ट्रैक है, तो उसका आप देखिए 50% और सिर्फ 10 सालों में। तो सर इसका मतलब अगले 10 सालों में तो और भी बहुत ज्यादा मतलब खत्म, फिनिश, इट विल फिनिश यस, क्योंकि अभी हुआ है। Okay. पहले कोई इसमें एक्सीडेंट नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। अभी 4 साल के अंदर हमने 2 एक्सीडेंट सुन लिए। कहाँ पर? जो चादर ट्रैक में, चादर ट्रैक में। Okay. इसमें चलते चलते चादर टूट गया और बंदा अंदर। ओके, उसमें तो कोई एयर ही निकलने का हिसाब,
दो क्लाइमेटीज इसी 3-4 साल में सुने हैं मैंने। ओके। उससे पहले कोई क्लाइमेटाइज नहीं, यहाँ तक कि यहाँ के लोग अपने रोजमर्रा की चीजें भारी भारी चीजें कंधों पे उठा के हाँ जी या घसीट के इस चादर के ऊपर से लाते थे। हाँ ये मैंने पढ़ा है कि जो वहाँ के छोटे छोटे गांव थे तो वो इसी को एक रोड की तरह यूज करके और वो कर सबसे इजी उनका सामान पहुंचाने का वो होता और बहुत छोटा होता था, बहुत छोटा होता। अगर वो चादर ट्रैक नहीं होता तो पता नहीं कितने किलोमीटर अलग से चलना पड़ता। चादर मोटी होती थी। हाँ जी वो झेल लेती थी। तो उस टाइम बेसिकली चादर ट्रैक जो है वो एक पुल का काम करता था कि आपको 50 किलोमीटर घूम के नहीं जाना पड़ेगा, आप सीधा 100 मीटर आप चले और पार। लेकिन अब वही चीज पर पूरे घर बनाने की लकड़ी ये वो उसी चादर के ऊपर से आता था, कोई चादर नहीं टूटता था। और आप सिर्फ एक खाली आदमी की वजह से टूट रहा है, 70-80 किलो वजन नहीं झेल पा रहा। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग उसके ऊपर हमारे कई एनजीओ काम कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही है। तो कोई ग्राउंड लेवल पे आपको फर्क दिख रहा है? ग्राउंड लेवल क्योंकि तो काम तो पेपर्स में गवर्नमेंट्स में होते रहते हैं, एक एट द एंड ये होता है कि हाँ ग्राउंड लेवल पे वो कितने परसेंट काम पहुंचा या हुआ नहीं हुआ, तो वो तो आप ही बता सकते हैं जो ग्राउंड लेवल पे आप उसके साथ आप काम करते हो। तो वो 0.1% भी कोई काम नहीं हुआ, 0.1 छोड़ो उससे भी और माइनस हो गए। माइनस क्यों? यहाँ पे विलेज ऐसे ऐसे हैं हाँ जी जो सिर्फ पानी की वजह से गांव उनको छोड़ना पड़ रहा कि वो यहाँ पानी खत्म हो गया, अब दूसरी जगह गांव बस रहा। कुमी एक हमारा रिसेंटली जहाँ पे हमारे लद्दाख के उनका नाम याद नहीं आ रहा, ग्लेशियर मैन जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाते हैं वो भी आए थे यहाँ। क्या नाम है? फुनसुक। I don't know, बस मैं इनसे मिला हूँ, बुजुर्ग आदमी है। पता उनका फुनसुक है। हाँ। ओके। लेकिन दूसरा और ना संदेह। वो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाते हैं। ओके। वो कैसे बनाते हैं सर? वो बर्फ के ऊपर सूरज की किरणें कम से कम पहुँचे, बर्फ देर से गले। विंटर में वाटर सप्लाई रखते हैं वो। पूरे पाइपिंग होगी उसकी। जो उस बंदे का जो मैंने देखा, क्योंकि मैंने ये येल यूनिवर्सिटी YALE पता नहीं, आई डोंट हां जी अमेरिका में कोई यूनिवर्सिटी है। ओके। उनकी तरफ से एक रिसर्च करने आया था बंदा यहाँ, मिस्टर बेन जॉनसन। हाँ, उन्होंने मेरे को वीडियो भी भेजी थी जो हमने इंटरव्यू करा था। His name is Sonam Wangchuk. किन का सर? जो आर्टिफिशियल The scientist from Leh. जो आर्टिफिशियल जिन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर को आप क्या बोलेंगे ओरिजिनेट किया था उन्होंने। हाँ वही थे। ओके। क्या नाम था उनका सर? सोनम वांगचुक। और जो कुंग वो एक फुनसुक वांगचुक बोल रहे तो एक सिर्फ इमेजिनरी नेम है। ओके। वो धरातल से है का छोटा मतलब धरातल पे यही है ओके ओके। उनका वो उसने काम करा वो उनके प्रोजेक्ट में काम करा। ओके। हाँ जी अभी जो बर्फ आर्टिफिशियल मई जून में गलती थी अब वो बर्फ अगस्त तक बचती है और अगस्त तक पानी आता है अभी फिलहाल भी। हाँ जी। तो उन्होंने ऐसा क्या किया सर? ये जो नहीं इसका पूरे एटमॉस्फेयर से मतलब कि वह उससे उससे लेना देना नहीं, उन्होंने पर्टिकुलर वो बनाया क्या बोलते हैं अभी आर्टिफिशियल ग्लेशियर। उसमें पाइपिंग होती है पानी की पाइपिंग ना, पूरा आप पाइप पानी छोड़ते रहेंगे वो विंटर में वो जमता रहेगा जमता रहेगा। वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, मतलब वो एक जो नेचुरल ग्लेशियर होता है वो नेचुरल जमता है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनेगा, आइस ग्लेशियर आपका उसमें। ओके। नेचुरल तो जमता है और पानी निकल जाता है, उसका क्या है उन्होंने पानी से वो उसको जमा रहे। ओके। वो भी गल रहा है। उसके बाद आप एक टाइम पीरियड होगा, अगर आप किसी एक प्रॉपर लोकेशन में लगाते हैं जहाँ पे मतलब कि पानी धूप कम आए हाँ जी
तो वो लेट पिघलेगा, आपके ज्यादा टाइम तक चलेगा, उससे पानी आता रहेगा और आपका उसमें सिस्टम बनेगा, आप उस पानी को यूज भी करेंगे। स्टोंगे वाले में उन्होंने यही करा, स्टोंगे वाले में उन्होंने क्या करा, मतलब बर्फ है वो का जो ग्लेशियर है उसके ऊपर पत्थर का, पत्थर के डंगे लगा दिए उन्होंने कि सूरज की किरणें ना पड़े। ओके। चपटे चपटे जैसे स्लेट हमारे हिमाचल में स्लेट पत्थर नहीं होते, उस स्लेट टाइप के पत्थर उन्होंने उसको ढक दिया, जो नेचुरली जो हिली एरियाज में होता है कि अगर कोई दीवार बनानी है तो वो जाल से बंद कर और पत्थर उसमें भरे जाते हैं जी। उस तरह से क्रेट वॉल हो गया, क्रेट जो आप कह रहे क्रेट वॉल, क्रेट वॉल नहीं वो खाली पत्थर, ओके, चपटे पत्थर देख लिया ऐसे, हाँ हाँ, उसको उस स्ट्रक्चर के ऊपर उस झाम रखते गए, रखते गए वो ऊपर किसन का पूरा जो डायरेक्ट सनलाइट है वो डायरेक्ट ना उसके वो कम कर ले कम। ओके। और उसने भी जब देखा डॉक्यूमेंट्री वो उस दिन हमारे सामने खतक पहनाया है, अबे दलाई लामा जी ने 40 लाख का चेक दिया, दलाई लामा जी जिसको खतक ना दे तो समझ लो, अरे उनको दुनिया खतक ना थी है, जिनको उन्होंने खिला दिया तो उस दिन को पार्टी का भी, उस दिन हमारी कोई मान लो कि मिस इंडिया भी आ रखी थी, हां बहुत बड़ा बहुत स्वागत करने के लिए। ये चादर जो हम ट्रैक करते ना वो चादर रोड बन रहा है अभी भी, आप नेट पे अभी खोलोगे जीपीएस में, जीपीएस में चादर रोड आता है जो अभी हम कल जाएंगे, हाँ कल आप जाओगे ना खोलोगे चादर रोड आएगा पदुम नेमो, पर वो रोड कंप्लीट नहीं है, ट्रैक करते थे पहले वहां से ऐसी केचिया बना दी और सीधा नीचे उतार दिया, और रोड पे खड़ी रोड बना दी, मतलब घोड़ ये भी रोड वही है, ये वाला ट्रैक भी वही है, सेम जो हम ट्रैक करते थे गुरु जी उन्होंने रोड बना दिया। पद्मश्री यहाँ का हमारा एक मेमे चौजोर है, उस बंदे ने अपना 40 लाख रुपए पूरे जीवन की पूंजी खर्च के दो जेसीबी खरीद कर लाया और ये रोड बनाया उसने। इंटरव्यू चला रही है, हो गया इंटरव्यू हो गया और जो एक ऑपरेटर रहता है जेसीबी वाला ना, वो जेसीबी लेके फरार हो गया बाद में ना ना वो जेसीबी लेके फरार हो गया, वो फरार नहीं वो उन्होंने गिफ्ट दे दिया। हमने मूलभूत पे रोड चालू किए जो दर्चा के लिए रोड और अभी भी आता है मोदी जी के साथ उसका फोटो और मेरे साथ उसका फोटो जो जेसीबी लेकर भाग गया था ना, जिन्होंने रोड बनाया, क्या नाम बताया आपने, छोंजोर नाम है मेमे का, मतलब बुजुर्गों को मेमे बोलते दादाजी जैसे, ओके मैं बोलता दादाजी को। तो भाई ये जो दारचा का जो रोड बनाया है ये, तो आप ये देख सकते हैं जो रोड बना मेमे छोंजोर, मेमे छोंजोर, तो ओके मेमे का मतलब बेसिकली जो बड़ी उम्र के लोग हो जाते हैं दादा की उम्र के उनको बोलते हैं, और हाँ जी तो ये देख सकते हैं भाई, ओ ये बंद हो गया मोदी जी के साथ इनकी पिक्चर है, मेरे साथ भी है और सर के साथ भी है, तो इन्होंने ये रास्ता बनाया है जी दारचा, इन्होंने शुरुआत ये की थी शुक्ला वाला जो है ना, ओके इन्होंने शुरुआत की, वो पद्मश्री मिला अभी, ओके ये कल यही मिल जाएगा, ये तो मैंने संजोग नहीं लगा, ये तो यही भी लग रहा है यही रहते हैं, हाँ जी ओके। इसके सड़े हुए कपड़ों में ना 15-20 लाख तो ऐसे पड़े होते हैं, बैंक में नहीं रखता पैसा आज भी। अच्छा ये हाँ जेसीबी ड्राइवर, अरे कितना पैसा चाहिए 500 गड्डी,
और गलत निकल गया। अच्छा फिर 2000 वाली गड्डी निकाल लिया, उसमें से 8-10 नोट ले हुई। ये मतलब ये आदमी ऐसा है, मतलब करते क्या है ये बेसिकली? ये इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर। ओके, इंजीनियरिंग करी इन्होंने, पढ़ लिख के सर्विस भी लगी, लेकिन मन नहीं लगा तो लामा बन गए थे। लामा? हाँ, मंग बन गए। ओके, मंग बने, मंग बन के ये कई साल इन्होंने काटा। बाद में इन्होंने देखा कि यार मेरा गांव तो दुनिया से अलग ही है, सालों का है, जहाँ पे इनके मन में ये आया कि मैंने अपने गांव में गाड़ी लानी है, चाहे मैं कैसे भी लाऊं। कर गया, कर गया के हैं ये, स्की के, कर गया से आगे खोला उन्होंने, की गांव गए ये, कर गया से थोड़े इधर गए, उस नदी के पार जो है, नदी के पार जो गांव, नदी के पार जो गांव, ये वहां के थे। तो इनको वही मन में, इस बंदे ने सब कुछ भेज दिया अपना, स्नेसी एक बार थाम लिया तो साले, और दो जेसीबी लाया, स्नेसी उधर से मंक जो स्नेसी, जब इसने देखा ना कि ये जेसीबी तो बड़ी जल्दी सड़क खोद रहा, इसने कोई सर्वे नहीं करा भाई जी, हमारा ट्रेकिंग रूट पे रास्ता बना दिया और कर गया, जैसे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, उसी रूट से गाड़ी का रास्ता बना दिया उन्होंने, उन्होंने पूरा वो बना रखा है, खुद इंजीनियर बन गए, मतलब वो इंजीनियर तो थे, खुद इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग करी हुई इन्होंने, लेकिन बहुत बेस्ट, आज भी मिलते हैं। थैंक यू सर। अभी सभी खाना खा रहे हैं। हाँ तो चलिए भाई, बहुत लंबा हो गया व्लॉग, तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। तो चलिए, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। चलो, गुड नाइट, हर हर महादेव।